कैसे हैं आज? एक जरूरी सूचना और एक नई खबर के साथ मैं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर है कि जो ये खबर देने के लिए आ गया ऑनलाइन, तो बता दूं आप लोगों को बाल झाड़ रहा हूं। कि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, अपने होम स्टूडियो डालने वाला हूँ म्यूजिक से रिलेटिव, जो कि आप लोगों को दिखा दूँ। रूम का सेटअप अभी थोड़ा बहुत हुआ है और अभी थोड़ा बहुत बाकी है और ये सेटअप हो जाएगा। और स्टूडियो के सामान के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज, और वहाँ से दीदी के यहाँ भी जाना है तीज लेके। तो वहाँ से तीज देने के बाद फिर मैं कल जाऊँगा सामान। तो फिलहाल अभी घर से निकलने वाला हूँ, शाम हो गई है, बस है आजमगढ़ भवरनाथ से, मिलते हैं वहाँ पे। हेलो दोस्तों, और आजमगढ़ वीडियो ऑन कर नहीं पाया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। बस आई, बस में डायरेक्ट बैठना पड़ा, उसके बाद बस निकली और इस टाइम देखिए बस रुकी हुई है। और हम लोग इस टाइम हैं सुल्तानपुर ज़िला और एक छोटे से ढाबे पे गाड़ी रुकी है। यहाँ पे चाय नाश्ता और खाना भी हो गया है। यहाँ से गाड़ी निकलेगी सीधा नॉन स्टॉप सीधा दिल्ली में ही जाके रुकेगी। तो मिलते हैं इस रात बीतने के बाद मॉर्निंग में दिल्ली में। तो मैं आ गया हूँ रूम पे इस टाइम, और देखिए बगल में हमारे भांजे। क्या हो रहा है जी? हैं? ये क्या है? ये क्या है? हैं? अच्छा अच्छा, बर्तन धुलाई हो रही है। इस टाइम खाना बना रही है। और ये प्लेट है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ बैक, और इस टाइम मैं हूँ राज म्यूजिकल पे। और हमारे भैया नाम मैं पहली बार आया हूँ इसलिए भैया का नाम नहीं जानता। और दिल्ली में इनकी शॉप है, और भी शॉप है दिल्ली में, बट यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त लोग जो यहाँ से पहले से मतलब ऑनलाइन ख़रीदारी कर चुके हैं, तो मैं दिल्ली आया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाऊँ। यहाँ पे आपको एक से एक ब्रांड और सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी हर कंपनी की ब्रांड मिलेगी। और आज मैं अपने स्टूडियो की सामान यहीं से लेने वाला हूँ, और जिसके लिए मैंने जो सामान बोला अभी भैया लेने के लिए गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं म्यूजिक से रिलेटिव हर एक चीज़, स्टूडियो स्टार्ट करने से लेके गाने सिंगिंग हर एक चीज़ आप देख लेंगे यहाँ पे। एक से एक KRK का मॉनिटर्स वगैरह लगे हैं सब, और ये देखिए MIDO का लगा है, एडम IDO लगा है, सब एक से एक MIDO है ये, और KRK का ये लगा है, एक से एक ब्रांड है, सब महंगे से महंगे ब्रांड। और फिलहाल मैंने एक ये हेडफोन परचेस किया है अभी, जो कि देख सकते हैं सेनेसियर का है, SD206, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है कम बजट में। अभी वो अंदर गए हैं, कुछ कस्टमर आए हैं, अभी आते हैं तो फिर उनसे सारी चीज़ों के रिव्यू लेंगे। और आप लोग वीडियो के साथ में बने रहें और देखें एक से एक चीज़ है। वहाँ पे देखेंगे आप हैंड सोनिक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इधर कीबोर्ड्स पियानो कीबोर्ड्स सब लगे हुए हैं। और अभी ये देखिए एलिसिस का एक मॉनिटर आ गया है, अभी वो आएंगे इसको दिखाएंगे। और तो देख रहे हैं जैसा कि मुकेश भाई मुझे बता रहे हैं, आप बताइए। शॉप पे आने का फायदा ये होता है ना कि आपको कंपेयर करने को मिल जाते हैं एक दूसरे से। ये तो बात सही है, सजेशन से आते कि मेरा दोस्त ये यूज कर रहा है तो मेरे को भी यही चाहिए। बट आप क्या म्यूजिक बना रहे हो, आपका दोस्त क्या म्यूजिक बना रहे, दोनों का जोनर अलग अलग है। मुझे देखिए बेसिकली सॉन्ग रिकॉर्ड करने हैं, नए गाने और समझ लीजिए ट्रैक बनाने, नए ट्रैक। मतलब ये जो है मल्टीपर्पज है, आपको मास्टर मिक्सिंग भी कर सकते हो इसमें, या इलेक्ट्रॉनिक एडियम कोई भी म्यूजिक इसमें बना सकते हो। अच्छा, तो 5 इंच का इनफ साइज, एटलीस्ट 5 इंच होना चाहिए स्पीकर का, कि इसमें आपको लो मिड और हाई तीनों फ्रीक्वेंसी सुनने को मिल जाए। 3 इंच का लोगे तो मिड और हाई आपको अच्छा मिलेगा। एलिसिस एलिवेट 5 करके, एलिवेट 5 ये मॉडल नंबर है, एलिसिस एलिवेट 5 ये बढ़िया पड़ेगा, मतलब ना 5 इंच में। ये रिव्यूइंग भैया बता रहे हैं मुकेश भाई कि ये पैर है,
इधर भी एक है प्राइस में ये सबसे बेस्ट है। हाँ, 5 इंच इस लो बजट में अंडर 15 में देखते हो। हाँ, अंडर 15 में सबसे बेस्ट मॉडल है ये। अच्छा अच्छा, और MIDO में जो है वो MIDO में अगर 5 इंच के लेते तो ये BX4 और 4 इंच के 5 इंच। अच्छा अच्छा, तो और ये MIDO में 5 इंच के तो BX5 है, ये 23,500 के आसपास है। अच्छा, ये थोड़ा सा हाई रेंज है। तो वैसे इसमें लो एक्स्ट्रा लो है, अगर आपको सुनना है तो मैं सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी BX5 के हम लोग थोड़ा सा साउंड देखेंगे। वैसे बेसिकली मुझे ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है और साइज भी ठीक ठाक इसका लग रहा है मुझे उस रेंज में। 15,000 के अंदर में अगर लेना है तो ये ठीक है, क्योंकि ये MIDO जो मिलेगा ये पैर में रहेगा। अच्छा, ये दो रहेगा, BX5 है, ये है MIDO का, बट ये फिर चला जाएगा 23,000 से 25,000 के बीच में आपका बजट में। और ये सब तो नाम देख के ही पता चल जाएगा। इसका टेस्ट हो चुका है और इस बजट में बहुत ही अच्छा इसका रेंज है, प्राइस और काम भी अच्छा दे रहा है। पीछे इसमें बेस के लिए अलग से दिया एक स्विच है, उसको एक्टिवेट करते ही इसमें बेस एक्स्ट्रा हो जा रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा मास्टरिंग के लिए, और ये मल्टीपर्पज़ में है। और सबसे अच्छी बात है इसका बेस का जो निकलने का पॉइंट है दोनों स्पीकर में आ गया, पीछे नहीं दिया, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और अभी माइक्रोफोन हमारे बीच में IDO टेक्निका 80/20/20 आ गया है, और ये MXL 990 दोनों का टेस्ट होगा। मुकेश भाई अभी कुछ कस्टमर लोग आए हैं, इन लोगों के साथ हैं, अभी दिखा स्टेनबर्ग में। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको हर एक आइटम मिल जाएगी, कुछ भी चाहिए हो अच्छी क्वालिटी में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की हर एक चीज़ें काफ़ी बेटर हैं, अच्छी हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है सब कुछ है। देखिए आप देखिए देख सकते हैं आप लोग, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको सारी आइटम मिल जाएंगे। ड्रम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे,
कहीं से राज में आजकल जैसा कि हमने सारी सामान ले ली है मुकेश भाई के यहाँ से, यार ड्रेस चेंज हो गया ना, कोई बात नहीं, आप घर जाने का टाइम हो गया, होते होते शाम हो गई, और सामान में क्या क्या मैंने लिया है एक बार आप प्लीज बता दिए घर पे मैं उसको। एलिसिस का इन्होंने मॉनिटर लिया है, MXL का माइक लिया है 990, और केबल लिया है, हेडफोन लिया है सेनाइजर का LG 206, और बेरिंगर का भी हेडफोन लिया है, और एक माइक्रोफोन स्टैंड, पूरे स्टूडियो का सामान लिया है। और मैं घर पे चल के सारी चीजों को दिखाऊंगा। और भाई ने काफी डिस्काउंट किया है मेरे लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सारा प्रोडक्ट चेक करा के दिया, तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है आप स्टोर से लेने का कि आपको जो ऑनलाइन प्राइस दिखेगा वो प्राइस में आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा, उससे कम में भी मिल जाएगा। अगर आप अच्छे मतलब ज्यादा सामान लेंगे तो भाई जाहिर सी बात है डिस्काउंट करेंगे, कौन अपना कस्टमर नहीं बनाएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे, और बाकी चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा यहाँ से निकलने के बाद। और मैम से मेरी बात हुई थी फोन पे, सारी डिटेल उन्होंने दी थी, इसके बाद ही मैं यहाँ पे आया था। मैं तो धारा भी आया था। यस मैम बोलेंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और मैं पहुंच गया हूं घर पे, और रात के 8:30 बज रहे हैं, और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं स्टूडियो का सेटअप हो चुका है, जिसमें इसने बहुत हेल्प की है लगवाने में, और ये चारों तरफ जो है अकॉस्टिक फॉर्म दिल्ली से लेके आया हूँ, और सारी सामान जो है स्टूडियो की जो सामान यूज होने वाली, माइक्रोफोन स्टैंड हेडफोन सब सारी चीज़ें लाया हूँ, अभी एक एक करके ओपन करूँगा। फिलहाल अभी इसको लगा के हम लोग फ्री हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है, और जैसा कि आवाज़ में आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा बहुत डिफरेंट है, कि वो अलग वैसे रूम में आवाज़ गूंजती है, जैसे कि मेरे साइड में जो बगल वाला रूम है इसमें आने के बाद आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रही होगी, पतली हो जा रही होगी, और थोड़ा सा मीड का और ट्रेबल का ज़्यादा होगा पॉइंट। और जैसे ही इस रूम में आते हैं तो इसके बीच में आने के बाद आवाज़ की क्वालिटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अभी ये लगा के हम लोग फ्री हुए हैं, बीच में पूरा सेटअप हुआ है रूम का, ऊपर बाकी है थोड़ा सा डेकोरेशन, ऊपर अभी बाकी करना है, कल होगा मॉर्निंग में, अभी फ़िलहाल ये हुआ है। और आज स्टूडियो का जो सामान है सबको सेटअप करना है, क्योंकि जितने दूर सेटअप होना है उतने दूर का सब काम ओके हो चुका है, और देख सकते हैं पूरा बहुत ही बेहतर तरीके से। और ये सारी चीज़ें किस प्राइस में और कहां से किस तरह से मिली हैं मैं सारी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, और लोकेशन डालूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं दिल्ली से। और दोस्तों वीडियो अब यहीं पे मूव होगी, क्योंकि हम लोगों को अब रेस्ट करना है, काफ़ी रात हो चुकी है, और अब हम कल सारी चीज़ें दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।